गुड मॉर्निंग, बीएड सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पैडागोजी के अंतर्गत यूनिट दो है, जिसके अंतर्गत हम इतिहास में शिक्षण और अभिगम है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हमारा प्रोग्राम है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग। तो आज हमारा प्रोग्राम है पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग, तो हम इस प्रक्रम के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के लिए किस प्रकार से सहायक बनती है और इसका किस प्रकार से हम शैक्षिक वातावरण का माहौल को तैयार करती है, और इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं हैं जो विद्यार्थियों के मानसिक बौद्धिक स्तर के लिए किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होते हैं, इसके संबंध में हम विशेष प्रकार से जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शिक्षक के लिए ज्ञान का संग्रह, पहला क्या है शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत, शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत, शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत जो कुछ शिक्षक पढ़ाता है, जो उस पत्र पत्रिका है आपका पत्र पत्रिका जो संसाधन के रूप में है, जो शिक्षक के लिए क्या ज्ञान का स्रोत है। शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाता है, शिक्षक कक्षा के अंदर जो कुछ भी पढ़ाता है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए उसे पाठ्यपुस्तक के अलावा प्रकरण से संबंधित अन्य अच्छी अच्छी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि वह अपने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपने शिक्षण को बेहतर बना सकता है। इसलिए ये संसाधन के रूप में जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं उनका उपयोग करने से शिक्षक कार्य काफ़ी अच्छा बनेगा और उसके अंदर ज्ञान का भंडार है वो भी बढ़ेगा। अगर शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट है नवीन शिक्षक उद्योग पर है, नेक्स्ट है नवीन शिक्षण नीतियों का क्या। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग करने से शिक्षक या शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो नवीन दृष्टिकोण लाया जाता है, जिसके वजह से नवीन पाठ्य पुस्तकों के वजह से इतिहास के शिक्षक के अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षण नीतियों ज्ञान से प्राप्त हो जाता है और एक बेहतर तरीके से अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। इसके लिए छात्र विभिन्न प्रकार से पाठ्य पुस्तकों की सहायता लेकर अपने शिक्षण को बेहतर बनाने में अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं, शिक्षण को काफी बेहतर बना सकता है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षण विधि का ज्ञान भी प्राप्त है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ज्ञान नवीन पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिकाओं के संसाधन के उपयोग के रूप में हम इनका उपयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि विद्यार्थी शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न अनेक पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हम व्यक्ति की भिन्नताओं के अनुसार उनको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है वह दिया जा सकता है। तो छात्रों की रुचि के अनुसार इनको शिक्षण करवाया जाए और उन्हें स्वतंत्र रूप से विभिन्नताओं के आधार पर ज्ञान दिया जा सकता है। इस प्रकार से नवीन पाठ्य पुस्तक
नेक्स्ट है नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति। नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के अंतर्गत नवीनतम दृष्टिकोण का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आधुनिक युग में जो बदलता है और जिस युग को हम वैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं, इसलिए शिक्षा के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के नए विचार और विषय के प्रत्येक रूप से उनके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, होना स्वाभाविक है। और ऐसे स्थिति में विज्ञान के वर्तमान समय में ऐसे कई कई पाठ्य पुस्तकें आई हैं जो विज्ञान के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाती है और इस प्रकार से नवीनतम ज्ञान हमें देती है। इसलिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी वो बात नवीन पत्र पत्रिका और नवीन पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व रहता है। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उचित अध्ययन सहायता। विद्यार्थियों को उचित विभिन्न पत्र पत्रिका है इनका महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के जो उचित अध्ययन से भी सहायता प्राप्त करती है, बदलवाती है। इस प्रकार से विद्या शिक्षण की पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जा रहा है उस पत्र से संबंधित हम निम्नलिखित अन्य उनसे महत्वपूर्ण रूप से संबंधित पुस्तकों के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत सरल बुद्धि है उचित तथ्य के साथ में उसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से छात्रों को उचित अध्ययन में ये सहायता प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है अवकाश का सदुपयोग। फिर नेक्स्ट है अवकाश का सदुपयोग। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं विभिन्न कहा जाता है कि जो विद्यार्थियों के अंतर्गत स्वाध्याय के आदतों का निर्माण करती है। स्वाध्याय के आदतों का निर्माण करने के कारण वह शिक्षक के छात्रों के अंतर्गत विशेष पहचान बनाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी पढ़कर अपने खाली समय का भी उपयोग है वो स्वाध्याय के आदतों का खाली समय का उपयोग है या अवकाश के समय का भी उपयोग वो कर सकता है। इस प्रकार से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में छात्र और अध्यापक विभिन्न प्रकार से उपयोग वो कर सकते हैं। आज